Uh, thank you uh, so much. I am um, very grateful, uh, for especially for the diplomat community who is here. Uh, uh, if you guys need help for the translation, my colleague Sher uh, Khan Malik from Transgender Rights consultant, uh, Pakistan, is sitting on the right side of the table. He can help you for the translation, obviously. Uh, now directly coming towards my speech. <laughs> जो कि सेनेटर कामराज मुर्तजा साहब ने एक कॉन्टेक्ट सेट कर दिया हम जब ये स्टेटमेंट या हमारे कुछ आ, जो लोग जो राइट right बेस के ऊपर काम करते हैं अगर वो इस तरह का कोई पोस्टर उठा लेते हैं और वो क्लेम कर देते हैं कि बच्चे बाज मौलवी है तो इस वजह से करते हैं बिकॉज वी हैव द रिसर्च एंड द डेटा जिसके जिसमे साहिल की रिपोर्ट उठा के देख लें कि मेजोरिटी ऑफ द चाइल्ड इज हैपेंड इन मदरसा एंड दिस इज ट्रू एंड दिस इज द रियलिटी जब हम बात करते हैं तो उसके पीछे रिसर्च है लेकिन जब आप बात करते हैं कि ख्वाज सरा कम्युनिटी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कौमे लूथ है तो आप किस रिसर्च के ऊपर बात करते हैं डू यू हैव एनी रजिस्टर्ड केस ऑफ होमोसेक्सुअुअल मैरिजेज अंडर ट्रांसजेंडर एक्ट डर आई डी कार्ड जिसने मर्ज से औरत बनवाया हो द आंसर इज नो तो वो कहा सेल्फ परसेप्शन आपकी आ जाती है कि हमने ट्रांसजेंडर जो है वो कौम लूत है द थिंग इज़ आप लोगों के पास रिसर्च नहीं है बट हमारे पास रिसर्च रीसर्च है तो अब हम जरा दूसरी मैं जरा कंसर्न को क्योंकि टाइम ख़त्म हो जाएगा मुझे ये पता है तो मैं जरा फटाफट कंसर्नस को आंसर कर दूं कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो तमाम हकूक लिखे हुए हैं कि जो तमाम हमने ख्वाजा सराओं को देने हैं बिल्कुल लिखे हुए हैं मैं आपको फिर नई लेजिस्लेशन की क्यों ज़रूरत है मैं आपको इस्लाम का एक कानून बता दूं सबने जो मुस्लिम है उन्होंने कुरान पढ़ा है और उनको पता है कि उसमें लिखा हुआ है यतीमों का माल नहीं खाना इसका मतलब है बाकियों का खा जाना है नहीं दिस इज द एंडोर्समेंट जो वनरेबल कम्युनिटीज के ऊपर होती है कि आपको स्पेशल लेजिस्लेशन की जरूरत होती है और आज भी हमारे मुल्क में यतीमों का माल नहीं खाते लोग खाते हैं क्या उस कानून के ऊपर जो खुदा का कानून है उसके ऊपर अमल दरामद हुआ आप बात करते हैं ट्रांसजेंडर कानून के ऊपर अमल दरामद चार सालों में नहीं हुआ तो नाउ अब जरा थोड़ा सा क्विकली जो रीमा का सवाल है उसकी तरफ हम आ जाते हैं और कुछ एतराजा की तरफ जो गेट कीपिंग है ट्रांसजेंडर लॉ के अंदर जब हम लोग एक में छोटी सी आपको क्विकली स्टोरी बताती हूँ जर्मन राइटर ने लिखा कि जब कानून की इमारत बनाई गई ना तो एक शख्स आया और उसने उस इमारत को एक्सेस करने की कोशिश की कि मैं इस कानून की इमारत से फ़ायदा ले लूं उस इमारत के पास जब गया तो वहाँ पे एक दरवाज़ा बना हुआ था और वहाँ पे एक दरबान खड़ा था वो सारी ज़िंदगी कोशिश करता रहा कि उस दरवाजे से वो अंदर गुजर जाए उसने दरबान के साथ दोस्तियाँ भी की उसने उसके साथ जो है वो उसको रिश्वत देने की भी कोशिश की लेकिन दरबान ने उसको अंदर नहीं जाने दिया जब वो मरने वाला हुआ तो उसने दरबान को कहा कि आप अब तो मेरे पे एक एहसान कर दो अब तो मैं मरने वाला हूं अभी तो मुझे बता दो एक सवाल है मेरे जेहन में खटकता है मुझे उसका जवाब दे दो तो उसने कहा कौन सा सवाल है मैं एहसान करता हूँ तुम्हें बताता उसने कहा मैं जब भी इस दरवाजे के पास आया मैंने इस कानून की अमारत के अंदर जाने की कोशिश की तो मैंने कोई और शख्स इस दरवाजे से गुजरता हुआ नहीं देखा तो उसने कहा कि आज मैं तुझ पे एहसान करता हूं और तुझे जवाब देता हूं उसने कहा ये दरवाजा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया था और वो दरवाजा उसका किसी और से ताल्लुक नहीं था तो दिस इज व्हाट गेट कीपिंग इज़। पीपल वॉन्ट टू मेक द मेडिकल एंड ऑल द रिस्ट्रिक्शंस जो ये लोग अपनी बनाई हुई चाहते हैं ख्वाजसरा कम्यूनिटी के ऊपर इम्पोज करना कि इनको दरवाजे के बाहर रोक लिया जाए कानून से ये फायदा ना उठा सके उसके बाद जी आ, हम जरा बात कर लें तो ये वो गेट कीपिंग है जिसके ऊपर ये चाहते हैं कि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रोकें और कानून के किताबें ना आ सकें और कानून से फायदा ना उठा सकें क्योंकि इन्होंने अभी ट्रांसजेंडर डॉक्टर ट्रांसजेंडर प्रोफेसर वजारत इंसानी हकूक के अंदर ख्वाजा सरा मौजूद एज एन एक्सपर्ट देख लिए हैं आप ये नहीं चाहते इनको भीख मांगता हुआ ख्वाजा सरा यह ट्रांसजेंडर पर्सन ही अच्छा लगता है अच्छा अब ये चीजें हो क्यों रही हैं ये चीजें इस वजह से हो रही हैं कि लोगों ने समझ लिया है कि मेन स्ट्रीम जब से पॉवर्टी एलिवेशन हुई है जम, जो इस्लामी जमाते हैं और पोलिटी अपने आप को इस्लामी जमातें कहती हैं पॉलिटिकल जमाते हैं अब उन वो वेव्स कैच नहीं कर पाती लोगों ने आपने देखा कि उनको वोट नहीं पड़ते उनका वोट बैंक कम हो गया है इन्होंने ट्रांसजेंडर लॉ के ऊपर जो हमला है इन दफाकी शरी अदालत इसको एज एन टेस्ट केस लिया है कि अभी ये ट्रांसजेंडर लॉ की बारी है इसके ऊपर अगर हम हार भी गए तो हमें लोग कुछ नहीं कहेंगे लेकिन अगर जीत गए तो दिस विल बी द वेहीकल टू तो अन डू ऑल द लेजिस्लेशन एंड द प्रोग्रेसिव लॉ डेट आर कंट्री हैव अगली बारी किसकी होगी अगली बारी चाइल्ड अब्यूज के केसेस की होगी फिर चाइल्ड मैरिज को करेंगे फिर वुमेन राइट्स को करेंगे आई एम वेरी सॉरी टू सी द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की जब वुमेन फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट राइट के ऊपर हमला हुआ था तो सारी सिविल सोसाइटी ने इकट्ठी होकर एहतजाज किया था और वो कानून आंडू नहीं हो सका था लेकिन हमारा जो लॉ है इसके ऊपर सारे साइलेंट हैं इन्होंने जब उसको नहीं किया तो आ, उसके बाद क्या हुआ ये इनकी एक वेहीकल और रोड मैप सेट कर रहे हैं ये मेजोरिटी विजडम ऑफ द पार्लियामेंट को चैलेंज कर रहे हैं वहां पे पीपल्स पार्टी पीएमएलएन पीटीआई सारी की सारी मेन स्ट्रीम पार्टी ने इसको वोट करके बनाया क्या सबको कानून का इल्म नहीं था क्या सब लोग सोए हुए थे नहीं दिस इज द पॉलिटिकल सीजन ये लोग अब आप के पीछे हैं हमारे बाद ये लोग देखना चाहते हैं कि खातून शटल कॉक बुरके के अंदर चार दीवारी के पीछे ये जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक नहीं होएंगे दिस इज द फर्स्ट स्टेप ट्रांसजेंडर से ये लोग आगे की तरफ जाएंगे तो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग तो आप जो वायलेंस की बातें हो रही है वायलेंस का सामना हम लोग कर रहे हैं इंसाइटमेंट टू पब्लिक म्यूटनी एंड वायलेंस सेनेट के फ्लोर के ऊपर पब्लिक के ऊपर और मीडिया के ऊपर जो स्टेटमेंट दी जाती हैं कि पार्लियामेंट का घेराव कर लो और आ जाओ और बात करी बिकॉज सेइंग कि इस्लाम पे हमला है तो यू नो इससे हमारी जिंदगी अफेक्ट हो रही हैं हमारे हमारे ऊपर वायलेंस हो रहा है हमारे लिए कत्ल हो रहे हैं हमारी जाने एट रिस्क के ऊपर है तो र द केसेस जो की के हम हर ख्वाजा सरा सिर्फ इन लोगों की वजह थैंक यू थैंक यू नायब थैंक यू नायब